नमस्कार दोस्तों, स्टडी लैंड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी के करंट अफेयर, जिसका पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली करंट अफेयर मध्य प्रदेश से। हाल ही में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत करने का मकसद इसलिए था क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन और मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपने याद रखना है, उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की मध्य प्रदेश में महिला दिवस के मौके पर। नेक्स्ट करंट अफेयर कहाँ से है, वो अमेरिका न्यूजर्सी के राज्य से है। 22 वर्षीय जियो डीमियो नाम के व्यक्ति जो अमेरिका न्यूजर्सी से हैं, हाल ही में उनका चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया और ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। गौरतलब है कि 2018 में एक खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से इनका 80% शरीर जो है जल गया था। यहाँ पर इनकी ये पिक्चर दिखाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो पाकिस्तान से है। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपने याद रखना है, जो 290 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। पिछले महीने पाकिस्तान ने शाहीन 3rd मिसाइल का टेस्ट किया था। शाहीन मिसाइल भी परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए दोस्तों, मिसाइल दो तरह की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान का शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना एवं उन्हें इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2020 की अधिसूचित की गई थी। दिल्ली सरकार का टारगेट है 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल हैं उनमें 25% व्हीकल जो हो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, स्विच दिल्ली अभियान जो शुरुआत की है वो कहाँ पर की गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। हाल ही में यह अभियान जयपुर में शुरू किया गया, जहां राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने मिलकर भिखारियों के पुनर्वास पर काम किया। भिखारियों को कौशल सिखाने के लिए कौशल वर्धन केंद्र खोला गया। यहां उन्हें योगा, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर चलाना आदि सिखाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर भारत के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रेनिंग ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आपसे पूछा जा सकता है, जनता दर्शन मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च की गई, यूपी में। पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उसके समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सोनल बरमेचा। हाल ही में सोनल बरमेचा जो मुंबई महाराष्ट्र की हैं, उन्हें फूड एंड बेवरेज के लिए पावर वूमन अवार्ड 2020 से नवाजा गया। सोनल बमेचा पश्चिम भारत के लिए खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में पावर वुमेन 2020 का पुरस्कार दिया गया इन्हें। यह कार्यक्रम 27 जनवरी 2021 को मुंबई में आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा यह आयोजित किया गया था। तो आपने नाम जरूर याद रखना है, सोनल बरमेचा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को पूरे देश में भारतीय तटरक्षक के गौरव में 44 वर्ष का जश्न मनाया गया। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर और समुद्र में राहत एवं बचाव कार्यों तक का जिम्मा देश की तटरक्षक सेना ही करती है। भारतीय तटरक्षक बल के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर वो है, नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर और उनके डिप्टी AV को रविवार को इसराइल और अरब राष्ट्रों के बीच 4 सामान्यीकरण सौदों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह समझौता जो है इसका एक नाम है, आपने याद रखना है, इब्राहिम समझौता के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के राष्ट्रपति ने 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इसके तहत 5 साल से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या यानी 30 जनवरी को की गई। पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए
पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? बिहार में दोस्तों, आपने याद रखना है, बिहार में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। गुलमोहर मैत्री की ओर से रविवार को साइंस कॉलेज के मैदान में दूसरी पिंक परेड का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना था। परेड के दौरान बतौर मुख्य अतिथि मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों। यूपी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया भूगर्भ जल वेब पोर्टल। योगी आदित्यनाथ ने ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत NIC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो आपने ये पोर्टल याद रखना है, किसने लॉन्च किया? यूपी सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है SpaceX से। हाल ही में SpaceX ने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन भेजने की घोषणा की गई है। मिशन का नाम है Inspiration 4। इस मिशन को एक क्रू यानी ड्रैगन कैप्सूल में 4 लोग भेजे जाएंगे। तो आपने याद रखना है, ऑल सिविलियन मिशन की शुरुआत किसने की? SpaceX ने। SpaceX के फाउंडर कौन है दोस्तों? एलन मस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। कब? 2 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे से आपने क्या जानना है? इसको हिंदी में विश्व आर्द्र भूमि दिवस बोला जाता है। 1971 में इस दिन वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। रामसर शहर ईरान में एक शहर है, तो वहाँ पर वेटलैंड को लेकर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस बार की 2021 का जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, उसकी जो थीम है वो है वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड से आपने क्या याद रखना है? यह है जैव विविधता, हमारे स्वास्थ्य, हमारी खाद्य आपूर्ति एवं पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वैश्विक तापमान की गति में कमी आती है। इसीलिए इन्हें किडनी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, किडनी ऑफ अर्थ इन्हें कहा जाता है वेटलैंड्स को। यहाँ पर एक वेटलैंड की पिक्चर दिखाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है भव्यालाल को लेकर। हाल ही में भव्यालाल को, जो एक इंडियन अमेरिकन हैं, उन्हें नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने नाम याद रखना है, भव्यालाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को मिलेगा कर्मवीर योद्धा पदक। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को, जो उस दौरान मुस्तैदी से डटे रहे, उनको सम्मान देने के लिए कर्मवीर योद्धा पदक की शुरुआत की, जो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अपने याद रखना है, किस सरकार ने लॉन्च किया ये? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, योगी सरकार कैबिनेट बैठक को पूरी तरह से ई कैबिनेट की व्यवस्था रखने का फैसला ले रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पेपरलेस बजट आया था, तो उसी की तर्ज पर योगी सरकार जो है यूपी की, उन्होंने भी ई कैबिनेट की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, माउंटेनियर नीतीश सिंह, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं, हाल ही में उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। ये आपने याद रखना है, नीतीश कुमार कहाँ के हैं, नीतीश सिंह कहाँ के हैं? यूपी के गोरखपुर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत कहाँ पर हुई? पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है, हाल ही में चंडीगढ़ PGI में भारत का पहला एम्प्यूट क्लिनिक लॉन्च किया गया। आपने याद रखना है, कहाँ पर खोला गया? चंडीगढ़ PGI में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, म्यांमार में तख्तापलट हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, तो म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार के जो सेना प्रमुख है वो है मिन ओंग हेलेंग, जिनके हाथों में सत्ता चल गई है। म्यांमार में 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। तो आपने याद रखना है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केरला में पहला केरला का ह्यूमन मिल्क बैंक, जिसका नाम नेक्टर ऑफ लाइफ है, खोला गया। 5 फरवरी 2021 को खोला गया, केरल के कोची के एर्नाकुलम में। तो ह्यूमन मिल्क बैंक से आपका तात्पर्य क्या है? ये पहला मानव दूध बैंक होगा, जीवन का अमृत नाम से खोला गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है, हाल ही में भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में 53वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के माध्यम से जो है नीचे आ गया है। इस रैंकिंग को जारी कौन करता है दोस्तों? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इस रैंकिंग को जारी करता है। इसमें नंबर 1 जो है वो नॉर्वे रहा है, और भारत का रैंक जो है 53वां रैंक रहा है। आपने याद रखना है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 2021 की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या रही? आई एम एंड आई विल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2021 की जो थीम है वो आई एम एंड आई विल रही। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने एक ई वॉच ऐप को लॉन्च किया है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास जो है किस किस देशों के बीच में किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास जिसका नाम युद्ध अभ्यास है उसकी शुरुआत की गई, जो 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चला। कहाँ पर की गई? राजस्थान के बीकानेर में। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चोरा चोरी शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चोरी चोरा जगह पर हुआ था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चोरी चोरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चोरी चोरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।